हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को MNB माइनर ब्रिज क्या होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, सब बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए, स्किप नहीं करना। आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, हाईवे एक्सप्रेसवे में काम करने जा रहे हैं, तो मेरे वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसका जो है पार्ट्स है MNB के। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सामने देखिए जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, अलाइनमेंट का मेन कैरेजवे का पार्ट्स है, उसका क्रैश बैरियर दिख रहा है आपको, स्टील बांधा हुआ क्रैश बैरियर कास्टिंग होना है। और साइड में जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये यू थ्रो वाल है। फ्रेंड्स, अभी यहाँ ये काम फाइनल नहीं हुआ है, आपको वीडियो में अगर कुछ डिफेक्टिव दिख रहा है तो वो सब अभी जो है काम चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा नहीं है कुछ फाइनल हो चुका है। तो आप लोग जो है फिनिशिंग पे कोई ऑब्जेक्शन बताएं, काम चल रहा है। देखिए इधर में, इधर भी यूथ्रो वाल है, दोनों साइड में यूथ्रो वाल बना हुआ है, बीच में जो है ट्रैफिक के लिए है। यहाँ देखिए, ये सामने में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सर्विस रोड है, ये वाल इसका है। सामने जो ये होल दिख रहा है, वी होल दिया गया है स्ट्रक्चर में, कोई भी यहाँ पे पानी का जमाव होता है तो इसके थ्रू जो है, होल के थ्रू स्ट्रक्चर में आ जाएगा और इसको जो है बाहर निकाल लेंगे। इसका जो रूफ है टॉप स्लैब M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है और वाल की थिकनेस है, बॉटम में जो है 600 mm है और टॉप में 300 mm की। इधर साइड में देखिए दो वाल बन रही है, इसका डिज़ाइन देखिए कैसे डिज़ाइन किया गया है स्टील, और कंक्रीट का ग्रेड इसका M25 का है। यहाँ देखिए सर्विस रोड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका राफ्ट का थिकनेस 700 mm और वाल का थिकनेस 600 mm है, थ्रो आउट 600 mm है ये, और स्लैब भी 600 mm का है। ऊपर चल के देखते हैं कैसे इसको बनाया गया है। यहाँ इथ्रो बनने वाला है, इथ्रो बनाने का मेन पर्पज है सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है MNB का उसके अंदर सॉइल साइड से नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए टो वाल साइड में दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है सर्विस रोड का है, यहाँ से सर्विस रोड, ये देखिए सर्विस रोड जा रहा है बास प्लॉट के ऊपर से, और ये मेन अलाइनमेंट दिख रही है आपको। यहाँ पे ड्रेन दिख रहा है, ड्रेन में M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है, और ऊपर में जो साइड में आपको कंक्रीट का स्लोप दिख रहा है वो सूट ड्रेन है, जो अलाइनमेंट पे पानी है, पानी अलाइनमेंट पे रख नहीं सकते, उसको साइड में निकाल के ड्रेन में कलेक्ट करेंगे। इधर जो स्लोप जा रहा है देखिए, ये ड्रेन के थ्रू बास क्लॉट या MNV में यूथ्रो के पास में कलेक्ट कर लेंगे पानी को। यहाँ सामने देखिए सेमी फ्लेक्जिबल क्रैश बैरियर यूज किया गया है, एंड साइड में और मिड मीडियन में भी, और उधर भी एंड में, एंड में जो आपको दिख रहा है उसको थ्राई बीम बोलते हैं, और जो सेंटर में दिख रहा है मीडियन में इसको W बीम बोलते हैं। देखिए इसका सेप W के जैसा है, उधर भी थ्राई बीम है। सेमी फ्लेक्जिबल वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे साइड में एंड में जो 2 मीटर या 3 मीटर की जगह हो। देखिए यहाँ मीडियन में 2 मीटर का चौड़ाई है इसका, इसलिए यहाँ पे सेमी फ्लेक्जिबल यूज किया गया है, और उधर में भी जगह है 2 मीटर की, 1.5 मीटर। सेमी फ्लेक्जिबल मीन्स अगर इस पर दबाव प्रेशर बना तो ये बेंड हो जाएगा, इसलिए इसको सेमी फ्लेक्जिबल बोलते हैं, पूरा रिजिड नहीं है। यहाँ देखिए थ्राई बीम दिख रहा है, सेमी फ्लेक्जिबल क्रैश बैरियर बोलते हैं। नीचे में जो ये RCC का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये देखिए
मैसूर ट्रेन बनी हुई है। यहाँ देखिए सूट ड्रेन है, इसको कैमर के थ्रू ड्रेन से कनेक्ट किया गया है। और ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है, 2 लेन राइट हैंड साइड में और जो 2 लेन है लेफ्ट हैंड साइड में। बीच में जो मीडियन दिख रहा है वहाँ भी चलेंगे, देखेंगे समझेंगे उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। तो देखिए सॉइल जो आपको लेवल किया हुआ है इसको सोल्जर बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्लोप है डाउन में 2:1 का है, 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल डाउन का स्लोप है। ये कैम्बर है, इसमें भी 2:1 का स्लोप है। ये मिड में जो सेंटर का पार्ट है ये मीडियन बोलते हैं इसको, इसमें सेमी फ्लेक्सिबल डब्लू बीम यूज किया गया है। और जो नीचे आरसीसी का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कर्व है, आई कर्व बोलते हैं इसको। और इसकी जो विथ है चौड़ाई है डिपेंड करता है कैसा हाईवे डिजाइन किया गया है। यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई 2 मीटर है। सेंटर में देखिए प्लांटेशन का काम हुआ है, इस साइड भी सेम चीज़ें हैं, सेमी फ्लेक्सिबल डब्लू बीम और आई कर्व, अगेन 2 मीटर लेंथ पहले जो बताया था मैं। यहाँ भी देखिए 2 लेन 4 लेन है, 2 लेन लेफ्ट हैंड साइड में और 2 लेन जो है राइट हैंड साइड में। यहाँ थ्राई बीम एंड में साइड में थ्राई बीम दिया हुआ है, एल कर्व कनेक्टेड विथ सब ट्रेन। सामने जो आपको स्क्वायर में दिख रहा है वो कैम्बर है, लाइट ट्रेन का काम होना है, वहाँ से उसको कनेक्ट कर लेंगे। और अगेन जो है सोल्जर दिख रहा है 2:1 के स्लोप में। आइए आपको माइनर ब्रिज के स्ट्रक्चर के टॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ से समझेंगे। सामने में मेन अलाइनमेंट है, मेन करे जो है मेन स्ट्रक्चर बना हुआ है माइनर ब्रिज एम एन बी। इसका स्लोप देखिए, स्लोप दिख रहा है सामने, सेंटर से आपको स्लोप दिख रहा है 2:1 का स्लोप है। ये ड्राइंग में भी दिया रहेगा आप देख सकते हैं। और क्रैश बैरियर का स्टील लगा हुआ है, वहाँ भी कास्टिंग होने का है। ध्यान से देखिए सुपर अच्छे से, बीच में इथ्रो दिख रहा है। सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सर्विस रोड है। यहाँ देखिए क्रैश बैरियर दिख रहा है, इसको रिजिड क्रैश बैरियर बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ क्रैश बैरियर को भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्रैश बैरियर 3 टाइप के होते हैं, एक रिजिड, एक सेमी फ्लेक्सिबल और एक फ्लेक्सिबल। रिजिड क्रैश बैरियर कहाँ प्रोवाइड करते हैं इसको बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे एंड साइड में जगह नहीं हो, बिल्कुल जगह नहीं हो, वहाँ पर रिजिड क्रैश बैरियर दिया जाता है। जैसे कि ब्रिज रेड के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइड में बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ भी देखिए एंड में बिल्कुल जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिजिड क्रैश बैरियर प्रोवाइड किया गया है। इस वीडियो में मैंने क्रैश बैरियर कितने टाइप के होते हैं, रिजिड, सेमी फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल, तीनों को मैं कवर किया हूँ। 2 का मैं बता दिया और एक जो फ्लेक्सिबल क्रैश बैरियर है आप लोग देखते होंगे, जहाँ पे अगर ट्रैफिक को रोकना है थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे प्लास्टिक के क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। जहाँ पे स्पेस सफिशियंट हो वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल क्रैश बैरियर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई जनसभा हो रही है या टेम्प्रोरी किसी ट्रैफिक को बंद करना है थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल क्रैश बैरियर यूज किया जाता है या प्रोवाइड करते हैं। जगह वहाँ पे काफ़ी रहती है, 3 मीटर से या ज़्यादा जगह रहता है, वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबल क्रैश बैरियर को। सेमी फ्लेक्सिबल का मैं बता दिया था, वहाँ पे जहाँ 2 मीटर से 3 मीटर की जगह होती है, स्पेस होती है, वहाँ पे जो है सेमी फ्लेक्सिबल प्रोवाइड किया जाता है। और रिजिड को भी मैं बताया हूँ कि यहाँ जहाँ पे जो है बिल्कुल जगह नहीं हो वहाँ पे जो है रिजिड क्रैश बैरियर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से सर्विस रोड, सामने में 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, बॉक्स कलवर्ट बैक टू बैक, एक सामने दिख रहा है उसके पीछे एक है, यहाँ से सर्विस रोड जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं कोई नया टॉपिक पे। और आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें।